केंद्र सरकार आने वाले साल में आम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत जनवरी से की जा सकती है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारी अभी से बजट की तैयारी की चर्चा शुरू कर चुके हैं। हाल ही में ऑटो सेक्टर के प्रतिनिधियों से मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने मुलाकात की थी। आम बजट को उसकी तय तारीख से 1 महीना पहले पेश किया जाएगा। इसका मकसद पूरी बजट प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करना है, जिससे नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही बजट पर अमल शुरू हो सके। सरकार ने सितंबर में रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का फैसला लिया था। अब रेल और आम दोनों बजट एक साथ पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने आम बजट 1 महीने पहले पेश करने के कारण गिनाए थे। उन्होंने कहा था कि योजनाओं पर जल्द अमल शुरू करने के लिए केंद्रीय बजट को 1 महीना पहले पेश किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्यों में से भी आग्रह किया गया था कि वो अपनी योजनाओं को इसी अवधि के हिसाब से आगे बढ़ाएं। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आम बजट पेश करने के मामले में 3 प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं। पहला ये कि बजट को करीब 1 महीने पहले यानी कि 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। दूसरा ये कि बजट में योजना और गैर योजना व्यय के वर्गीकरण को खत्म किया जाएगा और इसकी जगह राजस्व और व्यय को लाया जाएगा। तीसरा, देश में एक ही बजट पेश होगा, रेल और आम दोनों ही बजट एक साथ पेश किए जाएंगे। सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो बजट को 1 महीना पहले पेश करने पर फैसला लिया जा चुका है और अब औपचारिक घोषणा करना शेष है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।